हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू स्टोरी अबाउट नीरजा वन वोट हु वॉज ब्रेव इन लाइफ एंड ब्रेव इन डेथ। द नेम ऑफ द लेसन दैट इज द सेकंड लेसन फ्रॉम बुक ऑफ सेवंथ क्लास। The name of the lesson is Brave in Life and Brave in Death. Now, first of all, I would like to put some questions before you. Which one of the following is the bravest deed? A man rushes across the road to help a lady who has fallen down. A child jumps out of the classroom window to catch a score. A young girl risks her life to save her younger brothers from fire. A pilot makes an emergency landing to save the lives of 200 passengers aboard. Now compare your answers with your partners. Explain to your partner why the deed you have selected is the bravest of all. Now the story starts here. Mirza Bhatt was born to Harish and Rama Bhatt on 7th September 1963 in Chandigarh. Nirja Vanot, Harish और Rama Vanot के जहां 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में पैदा हुई, later the family moved to Mumbai, then called Bombay. तब बाद में नीरजा का परिवार मुंबई में चला गया, जिसका पुराना नाम बॉम्बे था। नीरजा वाज ए सेंसिटिव एंड कंपनशीट जंग वूमेन। नीरजा एक संवेदनशील और दयालु नौजवान औरत थी। हर इनर ब्यूटी रिफ्लेक्टेड ऑन हर सरीन ब्यूटीफुल फेस। उसकी आंतरिक सुंदरता उसके एक सुंदर चेहरे से झलकती थी। Following a conventional arranged marriage in 1985, एक पारंपरिक तरीके से उसकी शादी 1985 में हुई। She joined her husband in the Gulf. उसने अपने पति को खाड़ी में जाकर उसके साथ रहने लगी। Under the strain of dowry pressures, दहेज प्रथा के प्रेशर से दबाव से नीरजा टर्न्ड होम टू हर पेरेंट्स इन बॉम्बे। विद इन 2 मंथ्स नीरजा वापस अपने माता पिता के पास 2 महीने बाद आ गई। नीरजा बाज अ वूमेन ऑफ डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ। नीरजा एक स्वाभिमान और ऊर्जावान लड़की थी। शी वुड नॉट रिलेंट टू प्रेशर ऑफ डोरी। नीरजा उनमें से नहीं थी जो ये दहेज के प्रभाव को प्रेशर को रिलेंट करती, मीन इससे नर्म पड़ जाती। हर हस्बैंड सेट ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस फॉर हर रिटर्न टू हिम। उसके पति ने उसके लिए अपमानजनक जो शर्तें थी वो रखी वापस आने के लिए, कि अगर वो जिस शर्तों पर उतरती है तो वो वापस उसके पास आ सकती है, नहीं तो वो वहाँ पे ही अपने पेरेंट्स के पास रहे। एंड नीरजास फैमिली डिड नॉट कंप्लाई। और नीरजा का जो परिवार था वो इसके साथ सहमत नहीं हुआ। द मैरिज हैड टर्न्ड शार नाउ। अब जो संबंध था, जो शादी जो थी, इसमें खटास आ चुकी थी। इन द रिलेशन बिटवीन द टू वाज ब्रोकन। अब दोनों में एक दरार आ गई थी, उनके संबंध टूट चुके थे। नीरजा डिसाइडेड टू मूव इन लाइफ। नीरजा ने निर्णय लिया अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। एंड शी साइंड ए मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। और इसने एक अनुबंधन मॉडलिंग के लिए साइन कर लिया। अ लिटिल लेटर शी अंडरटुक द ट्रेनिंग फॉर अ फ्लाइट पर्सन विद पैन एम। और थोड़ी देर बाद उसने एक परिचारिका के रूप में पैन एम नेम ऑफ द एजेंसी, तो उसके साथ उसने उसकी ट्रेनिंग ले ली। इमेंसली
इमेंसली डेडिकेटेड नीरसा पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर चुकी नीरजा जो थी। नीरजा मेड आर रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड फ्लाइट अटेंडेंट्स। नीरजा ने पूरी तरह से उस परिचारिका का अपने ऊपर एक जिम्मेवारी ली। ऑन 5th सितंबर 1986 5 सितंबर 1986 को शी हैड रिटर्न्ड फ्रॉम अ डे लॉन्ग शूट फॉर अ मॉडलिंग असाइनमेंट। 5 सितंबर 1986 को जब वो पूरे दिन के मॉडलिंग असाइनमेंट से वापस आई, शी वाज द सीनियर फ्लाइट पर्सन ऑन द फ्लाइट। वो सबसे सीनियर परिचारिका थी या सेविका थी। ऑन पिच हर करेज वाज टू टेस्टेड, जिसकी वहाँ पे एक परीक्षा होनी थी। परीक्षा का समय आ चुका था। द टेस्ट दैट मेड हर सुश वेरी स्पेशल टू अवर कंट्री टू ह्यूमैनिटी। वो परीक्षा जिसके लिए हमारे देश में मानवता के लिए उसको बड़ा विशेष बना दिए। एट कराची द प्लेन वाज हाईजैक्ड बाय 4 हैवीली आर्मड टेररिस्ट। कराची में 4 आतंकी जिनके पास बहुत सारा बारूद था, हथियार थे, इमीजिएटली नीरजा रश्ड टूवर्ड्स द कॉकपिट टू इन्फॉर्म द कैप्टन। नीरजा तुरंत वहाँ से अपने कैप्टन जो जहाज का है कॉकपिट में उसको सूचित करने के लिए भागी। ये टेररिस्ट कार्ड हर बाई हर पोनीटेल। एक आतंकी ने उसको उसकी चोटी से पकड़ लिया, पोनीटेल हेयर चोटी। बट शी मैनेज टू शॉर्ट द हाईजैक कोट, परंतु उसने जोर से जो हाईजैक का कोट था उसका उच्चारण कर दिया। एंड द फ्लाइट अटेंडेंट वाज कॉट द कोट। दूसरी जो परिचारिका वहाँ पे थी, सहायक थी, सेविका थी, उसने उस कोड को कन्वेड इट अहेड, उसको आगे पहुँचाया। बट फॉलोड वाज ए ड्रामेटिक एक्सपीरियंस फॉर ऑल दोज ऑन द बोर्ड। जो भी उस बोर्ड पर थे उन सब के लिए ये जो ड्रामा था जो उन्होंने अनुभव किया बहुत ही एक भयानक था। द 3 मेंबर कॉकपिट क्रियो ऑफ अ पायलट। 3 जो कॉकपिट क्रियो के मेंबर होते हैं उसमें एक होता है को पायलट, एक पायलट जो चालक होता है जो जहाज को चलाता है, को पायलट उसका जो सहयोगी होता है, एंड द फ्लाइट इंजीनियर जो फ्लाइट इंजीनियर होता है वहाँ पे तकनीकी के लिए। एग्जीबिटेड ग्रेट अवार्डाइस। तो उन्होंने बड़ी वहाँ पे बुजदली दिखाई जब उन्होंने जो कोड सुना कि आतंकी जहाज में आगे हैं विद आर्म्स एंड अमुनिशंस। सो दे डिसाइडेड टू रन अवे। दे डिजर्टेड द प्लेन एंड द 360 मेंबर्स पैसेंजर्स एंड 13 मेंबर कैबिन क्रू वर लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द हार्टलेस टेररिस्ट्स। वो 360 यात्रियों को और 13 मेंबर जो कैबिन क्रू के होते हैं उनको वो आतंकियों के हाथों में छोड़ करके भाग गए। डेजर्टेड मीन जहां से भाग जाना। नीरजा वाज द कैबिन क्रू लीडर। नीरजा कैबिन क्रू की नेता थी। विद ग्रिट हेयर मीन मी करेज। शी वाज अ करजस लेडी। वो एक धैर्यवान लड़की थी एंड ए डीप सेंस ऑफ ड्यूटी। और उसे अपना जो ड्यूटी का अपना कर्तव्य पालायन का कर्तव्य की उसकी जो निष्ठा थी वो थी। शी टुक ओवर कमांड। अब वो नेतृत्व अपने हाथ में लेती है। शी केप्ट द पैसेंजर काम। वो यात्रियों को धैर्य के लिए शांति के लिए कहती है कि आप शांति बनाए रखें। एंड इंश्योर्ड दैट दे वर कम्फर्टेड। और उनको ये विश्वास दिलाती है कि वो बिल्कुल जहाँ पर आराम से हैं। शी कंटिन्यू टू सर्व एंड अटेंड टू द पैसेंजर्स नीड। वो लगातार उनकी सेवा करती रही और उनको जरूरतों को देखती रही। शी रियलाइज्ड दैट द टेररिस्ट वुड हार्म द अमेरिकन पैसेंजर्स द मोस्ट। उसने ये महसूस किया कि ये जो टेररिस्ट हैं ये अमेरिकन को ज़्यादा हिट कर सकते हैं।
होपिंग टू कन्फ्यूज द टेररिस्ट, ये आशा करते हुए कि वो किसी तरह से इन आतंकियों को कन्फ्यूज करके अवॉर्ड देयर आइडेंटिटी, कि उनकी आइडेंटिटी छुपाई जाए। दोज हू वर अमेरिकन्स, शी डिस्क्रेटली कलेक्टेड ऑल द अमेरिकन्स पासपोर्ट, उसने बड़ी होशियारी से चलाकी से अमेरिकन से पासपोर्ट जो थे वो इकट्ठे किए एंड हिड देम, और उनको छुपा दिया। द ट्रामा ऑफ द हाईजैक कंटिन्यूड फॉर अबाउट 17 हावर्स, ये जो ट्रामा था अपहरण का ये तकरीबन 17 घंटे चला। सिंस द पावर हैड बिगन टू फेल, अब जो लाइट थी, पावर जो थी, जो ऊर्जा थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, फेल होने लगी। द लाइट्स बिकेम डिम, लाइटें जो थी, रोशनी जो थी वो डिम होने लगी, मंद होने लगी। द टेररिस्ट थॉट दैट द पैसेंजर्स वुड ट्राई टू एस्केप इन द डार्कनेस, आतंकियों ने सोचा कि अंधेरे का फायदा लेकर के ये यात्री जो हैं अपने आप को बचा सकते हैं। एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड देम एट रैंसम, और उनकी फरूती करना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। रैंसम यहाँ पे होती है फरूती, डिमांड करना, जो हुस थे वहाँ पे उन्होंने बनाए हुए कि इनके बदले में हम इनसे गवर्नमेंट से कुछ फरूती दें। दे बिगेन फायरिंग एट रैंडम, वो बेतरतीब उन पर गोलियां बरसाते गए। इमीडिएटली नीरजा रश टू द एमरजेंसी डोर, तुरंत ही नीरजा जो आपातकालीन डोर होता है, द्वार होता है, उसको खोलती है एंड पुशर इट ओपन, और उसे धक्का दे करके खोल देती है। डिस्परेटली शी क्राइड आउट, वो जोर से चिल्लाती है, कहती है गेट आउट, बाहर आओ, रन, भागो, दीज वर्ड्स हैव नॉट बीन फॉरगेटन बाय द सर्वाइवर्स, दो जो हो सर्वाइव्ड लेटर, जो बाद में जीवित रहे वो कहते हैं कि ये उसके शब्द हमें भूलते नहीं हैं। हाउ शी शाउटेड, हाउ शी क्राइड, हाउ शी मेड द पैसेंजर्स टू कम आउट, दे कैन आल्सो रिकॉल हाउ शी गाइडेड एंड पुश्ड पीपल डाउन द शूट, वो बताते हैं जब उन्होंने उनको याद आता है कि किस तरह से उसने उनका मार्गदर्शन किया और लोगों को उस रास्ते से बाहर धकेला, बाहर निकाला। द मोस्ट टचिंग पार्ट ऑफ द इंटायर एक्सपीरियंस वाज हर डेथ, जो सबसे मार्मिक हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा, वो थी उसकी मृत्यु, कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। हाउ शी सैक्रिफाइड हर लाइफ फॉर द सेक ऑफ द पीपल इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ द पीपल, किस तरह से उसने लोगों की जिंदगी, जो यात्री वहाँ पे बैठे थे उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए अपना जो थी लाइफ को सक्रीफाइस किया। वाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट थ्री चिल्ड्रंस, तीन बच्चों को जब वो बचा रही थी, उनकी रक्षा कर रही थी, शी ऑब्जर्व्ड द ऑनस्लॉट ऑफ बुलेट्स दैट पारस्ड हर बॉडी, उसके जहाँ सीने में, शरीर पर वो बुलेट्स लगे, गोलियाँ लगी जो उसके शरीर में दस गई। द सिटेशन बाय पैन एम राइटली से सिटेशन, यू कैन से सिटेशन, ये एक ऑफिशियली रिमार्क दिया जाता है, तो पैन एम जो था उन्होंने इसके बारे में ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जो जारी की थी वो थी जे नीरजा वॉज कॉट अपॉन अंडर द मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशंस एट द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू स्टेप फॉरवर्ड इन अ पोजिशन ऑफ लीडरशिप, नीरजा का उस समय आह्वान किया गया जबकि हालात बड़े मुश्किल थे, समय बड़ा मुश्किल था, और इस समय में उसको नेतृत्व करने के लिए कहा गया। एंड हर हीरोइक एक्शंस वर क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल, और इसका जो कर्म था, जो वीरतापूर्व कर्म था जिससे लोगों की हजार सैकड़ों के हिसाब से जिंदगी जो थी उसने बचाई। द वीकेंड ए रिव्यू रिमार्क्स, अब वीकेंड जो है उसका एक रिव्यू है, वो रिमार्क करता है शी वॉज ब्रेव इन लाइफ, ब्रेव इन डेथ,
वो अपने जीवन में बहादुरी से रही, उसने अपना जो जीवन था, सोशल जो लाइफ थी, वो भी उसने अपने बड़े एक बहादुरी से जी और अपनी मृत्यु को भी उसने अच्छे से जिया लिया। शी वॉज ब्रेव इन लाइफ एंड ब्रेव इन डेथ, द ओनली स्टीवर्ड्स टू हैव कमांड एंड एयरक्राफ्ट। अब स्टीवर्ड जो था उसने ये एयरक्राफ्ट को लिफ्ट किया, उड़ाया एंड हेल्ड द हाईजैकर्स एट द वे, और वे वाज एन इंडियन, और इंडियन की टेरिटरी में ये जो खाड़ी में इन हाईजैकर्स को जो जिन्होंने इसका अपहरण किया था जहाज का, उनको वहाँ पे उतारा। नीरजा वनोट रिसीव्ड द अशोक चक्र, नीरजा वनोट को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो भारत का सबसे विशेष एक सिविल के लिए, कर्ज के लिए, ब्रेवरी के लिए वो दिया जाता है पुरस्कार, वो उसको मिला द अशोक चक्र सिटेशन स्टेट्स। अब अशोक चक्र जो ऑफिशियली उनकी स्टेटमेंट थी उसमें ये कहा गया, हर लॉयल्टी टू द पैसेंजर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट इन डिस्ट्रेस विल फॉर एवर बी लास्टिंग ट्रिब्यूट टू द फाइनेस्ट क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। उनका ये कहना था, ये अशोक सिटेशन उन्होंने जो दी, कि हर लॉयल्टी टू द पैसेंजर्स, जो यात्रियों के प्रति उसकी वफादारी थी उस एयरक्राफ्ट में, उसके लिए यही उसका एक ट्रिब्यूट है, उसकी ह्यूमन क्वालिटीज के लिए जो उसने दिखाई, जो मानवता के उसमें गुण थे, दूसरों को बचाना, जिस सेवा भाव उसने किया। शी वॉज अवार्डेड द तगमे इंसानियत बाई पाकिस्तान, उसको तगमे इंसानियत जो पाकिस्तान ने उसको पुरस्कृत किया। फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन अवार्ड एंड आल्सो द मेडल ऑफ हीरोइज्म ऑफ द नेशनल सोसाइटी ऑफ द सन्स ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन यूएसए, तो यूएसए द्वारा भी उसको ये पुरस्कार मिले। नीरजा पेरेंट्स वर सैटर्ड जेट प्राउड ऑफ देयर डॉटर्स हीरोइज्म, नीरजा के माता पिता पूरी तरह से टूट चुके थे लेकिन फिर भी उन्हें गर्व था अपनी पुत्री के वीरंगना पर। दे सेट अप अ ट्रस्ट विद एन इनिशियल अमाउंट ऑफ रुपीज 36.5 लाख, तो 36.5 लाख से उन्होंने एक ट्रस्ट का उसके लिए बनाया, उसकी याद में बनाया। द ट्रस्ट ऑनर्स एंड अवार्ड्स बोर्ड हु रिफ्लेक्ट द हीरोइक क्वालिटीज ऑफ नीरजस कैरेक्टर, तो ये जो ट्रस्ट है ये उनको इनाम देता है जिसमें नीरजा जैसा चरित्र हो जा, उस जैसी क्वालिटीज हो, गुण हो, उनके लिए उनको पुरस्कार देता है। द ट्रस्ट गिव्स 2 annual awards ऑफ 1.5 लाख ईच, ये ट्रस्ट 2 अवार्ड देता है 1.5 लाख रुपए के। 1 अवार्ड गोज टू ए एयरलाइन क्रू मेंबर हु एक्स बिहाइंड द ऑल कॉल ऑफ ड्यूटी अंडर ट्राइंग सर्कमस्टांसेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो उस क्रू मेंबर के लिए जाता है जो किसी भी हालात में विश्व में कहीं भी किसी भी हालात में अगर उसको बुलाया जाता है और वो अपना ईमानदारी से वहाँ पे ड्यूटी डिस्चार्ज करता है, एक अवार्ड जो है जो उसको जाता है। द अदर अवार्ड गोज टू द इंडियन वूमेन, दूसरा पुरस्कार उन औरतों के लिए है, उन स्त्रियों के लिए है हु फाट अगेंस्ट सोशल जस्टिस, जो सामाजिक अन्याय के लिए लड़ती हैं, लाइक डोरी, जैसे दहेज प्रथा होगी एंड डिसर्जेंस, और जैसे जे आ गया डिसर्जन अवैध लाइन करने वालों को। दीज अवार्ड्स कीप अलाइव द मेमोरी ऑफ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट वुमेन ऑफ द कंट्री, ये जो अवार्ड हैं इनके द्वारा उस महान औरत को जो वीरंगना थी हमारे देश की, जो उसकी याद को दिलाते रहते हैं, उसकी याद दिलाते हैं। तो यहीं पे आपका जो लेसन है ये खत्म होता है। नो बट यू हैव टू डू अंडरलाइन द
डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टोरी, जहाँ जहाँ भी आते हैं विद द पेंसिल अंडरलाइन इट एंड यू कैन आस्क योर टीचर ऑन फोन और कंसल्ट द डिक्शनरी एंड लोकेट इट. एवरी स्टूडेंट शुड हैव अ डिक्शनरी फ्रॉम वेयर दे कैन लोकेट द डिफिकल्ट वर्ड्स. If you are unable to do that, then ask your teachers if there is any doubt. So, the next we are going to come to the next case. That is the comprehension. So, here are the some questions. These questions are comprehension mein. Choose the correct answer. Mirza was a junk. Woman. Mirza was a junk woman. Of immense self-respect, with a lot of pride, with a strong desire of popularity. If you have to pick the correct answer, that is of immense self-respect. Is the correct answer. Second question mein chalte hain. The plane was hijacked at the airport. At which airport? Karachi. First A is the answer. Third, the three member cockpit crew exhibit there. What they show there? B is the correct choice. That is paradise. Fourth question is, it began to get dark inside the aircraft because one of the hijackers had turned off the lights. Power began to flow. B is the correct answer. Now complete the following flowchart. The plane was hijacked. And next, three crew members abandoned the aircraft. Next line में आपको जी फिल करना है. The three crew members abandoned the aircraft. Now Nirja took over command. और इसके नीचे आएगा Nirja kept the passengers calm. Nirja kept the passengers calm. Next, Nirja collected all the Americans' passport. Nirja collected all the Americans' passport. Next, lights begin to dim. Next, the terrorist began firing. As the lights became dim, इसकी next line में क्या आता है? The terrorist began firing. Nirja opened the emergency door. Nirja opened the emergency door. Next, Nirja helped the passengers to escape. Next, Nirja fell as bullets riddled her body. Now, there are answers to these questions. So, you can see all these answers from the description box. You can go there and you will find there. Now, comes the vocabulary. Complete the following table as indicated by the examples. You may refer to a dictionary. Sincere. Nirza. The first one is done for you. Nirza. Sincere. Who was sincere? Nirza. Hostile. आप टिक पे करेंगे. आप टिक करेंगे टेररिस्ट पे. Compensate. ये करेंगे आप. No, इसके पहले है हॉस्टल. हॉस्टल आप करेंगे टेररिस्ट के लिए. कंपनशिएट आप करेंगे नीरजा के लिए. नीरजा के नीचे जो बॉक्स बना है
और फीलाइन थेरेपिस्ट ये करेंगे आप नीरजा के लिए। सेल्फलेस नीरजा के नीचे जो बॉक्स है उसमें टिक करें। हार्टलेस कौन है वो टेररिस्ट के बॉक्स में आप टिक करें। कवर्ट के लिए आप पायलट के लिए जो भाग किए थे फ्लाई कर दिए थे। और फियरलेस नीरजा के लिए करें, शी वॉज द फियरलेस लेडी, इसमें टिक करें इस बॉक्स में। मिस एंथ्रोपिस्ट ये आप करेंगे टेररिस्ट के लिए। और कर्जिस ये करेंगे आप नीरजा के लिए। नेक्स्ट राइट इज एनोनिमस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, हू स्टेज कैप्टिव, सी ए पी टी आई वी ई कैप्टिव। सेकंड डेडिकेशन, डेडिकेशन मीन डिवोशन। हर्डल, हर्डल हियर ऑब्स्टेकल, ओ बी एस टी ए सी एल ई ऑब्स्टेकल। फोर्थ विक्ट्री सक्सेस। फिफ्थ में अबैंडन गिव अप। सिक्स में कंपैशन इम्पैथी, इम्पैथी ई एम ई ए टी एच वाई इम्पैथी। लॉयल्टी फेथफुलनेस, लॉयल्टी के आगे इसका सिनोनिमस देंगे फेथफुलनेस। फ्राइटेंड ये आगे देंगे आप इसका मीनिंग, अफ्रेड। इज इट क्लियर? Now let us move next write at least 3 phrases preposition verbs with each of the following verbs. Example, these are the verbs: take, take on, take out, take away. This is the example of take. Now there are some verbs, that is make, check, call, break. So you have to write for make what? Make up, make up, make do. I will again repeat it. For make, make up, make up, make do. Check, check on, check out, check up. Call, call off, call on, call up. Break, break up, break down, break in. Now let us move further. Now grammar part is there, where we use may and might. Read the following dialogues between Priya and her mother. Priya: Mummy, may I join the adventure club in school? Mummy: Yes, you may. Priya: I might want to become a mountaineer sometime later in life. Mummy: Yeah, may God bless you and give you the strength to become one. Now we will understand where the may word is used. May is used to express a possibility. जैसे एग्जाम्पल के लिए ही मे कम होम अर्ली, वो जल्दी कर वापस आ सकते हैं। दिस बुक मे बी यूजफुल टू यू, ये किताब आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो वर्ड मे इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी, रिमेंबर इट, मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस, मे इज यूज्ड टू गिव आर गिव परमिशन। May is used to take or give permission. जब permission देने के लिए, जब लेने के लिए, सीख करने के लिए, उसके लिए may का भी इस्तेमाल होता है। जैसे you may join the meeting. Second, may I take my turn now? Possibility. Third में चलें, may is used to express a wish. May you do well in life. May all your dreams come true.
Might is used as the past tense or form of may in indirect speech. Example, Lata said that she might join us for dinner. Next, the teacher said that she might consider taking us for a movie. Might is used to indicate possibility. Might indicates a smaller possibility than may. The book might be useful to chew. Probably will not be very useful. She might get caught in the train. She will probably not get caught. Might is used to reproach in a polite manner. You might have told me about the ways you broke last night. You might pay a little more attention to your work. Now, C1. Frame questions with me to get the following sentences. Example, answer diya hai. Now you have to frame the questions. No, you may not. You aren't. 18 is it. तो क्वेश्चन इसके लिए क्या बना सकते हैं? That may I learn to drive the car next month? अब no, we have 8 sentences for which we have to make the questions. Of course you may buy one. Now the question जो इसका हमने बनाना है वो ये, may I buy one bar of chocolate? Second, I certainly wouldn't appreciate that. तो question इसके लिए बनेगा, may I bunk the class today? Third, yes, but you must not leave the course midway. The question will be, may I join spoken English course? Fourth one is, I shall think about it. The question, may I go for trekking with my friends? Fifth, no, not again. It is the answer and you have to make the question. The question is, may I invite my friends in the weekend? I will again repeat it. May I invite my friends in the weekend? The sixth is answer. Sixth answer kya hai? Yes, but not for more than a. May I go for a swim in the ocean? Question फिर से देखें कैसे बनाना है. May I go for a swim in the ocean? Seventh answer जो है, no, not till you have returned the book you borrowed last month. Question बनेगा इसका, may I borrow this book for a week? The last one is, yes, provided you complete your holiday homework on time. तो question इसका बनेगा, may I go out to play? क्वेश्चन मार्क आगे लगाते जाना सभी के जो क्वेश्चन आपने बनाए हैं. नाउ लेट अस मूव नेक्स्ट C2. कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. वर्न, यू मे आर मे आर माइट इन द सेंटेंसेस यू कंप्लीट फॉर आर फ्रेंड. यूज मे आर माइट इन द सेंटेंसेस Teacher, Varun, why hasn't Harish come to school for the last 2 days? Varun, sir, he might be unwell. Teacher, if he is unwell, he would have sent me an application for leave. Varun, may I call him from the school office? Teacher, yes, you may. Tell the receptionist that I have asked you to do so. Next, now complete the telephonic conversation between Varun and Harish. Varun,
मे आई स्पीक टू हरीश? हरीश, आई एम हरीश अंडरलाइन वर्न. हरीश, दिस इज वर्न. व्हाई हैवंट यू कम टू स्कूल? हरीश, आई हैव बीन डाउन विद फीवर एंड अ रैश ऑफ फॉर द लास्ट टू डेज. द डॉक्टर सेड दैट इट माइट बी मीजल्स. इफ इट इज, इट मे टेक some time to recover. Warn, may you get well soon. May you get well soon. So students, next move C4, that is the choose may or might correctly. May or might correctly. Might may God bless you with all that you desire. तो टिक जहां पे किसको करना है? मे. सेकंड सेंटेंस में यस यू मे माइट लीव नाउ, गिव मी अ कॉल व्हेन यू रीच होम. मे, टिक द वर्ड मे. थर्ड में यू मे माइट हैव टोल्ड मी अबाउट द वॉच यू हैव लॉस्ट. माइट, टिक द माइट. Fourth में I cannot see my clouds in the sky. It might may rain tomorrow. तो जहाँ पे आप टिक करेंगे might को. और fifth में करेंगे may might I help you. तो टिक आपने करना है may को, correct word जो है. छठे में चले जाएं, if you like you might may join us for lunch today. मे, टिक द मे. सेवंथ में चले जाएं, सरिता सेड दैट शी माइट को टिक करें, जॉइन द स्पोर्ट्स क्लब. एट्थ में चले जाएं, गीता टोल्ड फरी दैट शी माइट को टिक करेंगे, गो टू वर्ल्ड द फॉलोइंग समर. नाउ लेट अस मूव नेक्स्ट. लिसन एंड Listen and speaking. So here are five sentences. Listen to the news item and say whether the following statements are true or false. और ये बताना है कि इनमें सही कौन statement है और कौन सी statement गलत है, false है. The first one is Sujit's award was for his act of bravery in 2009. It is true. Sujit and his brother were on their way to their tuition class when they heard a strange cry. False. इसके आगे आप F लिख सकते हैं, false लिख सकते हैं. और तीसरा है the pond was filled with leaves, algae and coconuts. It is the true. Sujit rescued a little boy from drowning. The false statement. The lesson is over now. So you can repeat it again by opening the your book and listening it. Stay home, stay safe in this situation. So thank you very much.